आप लोगों को NICIC ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करता है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप पहले जो है ना मोबाइल के यहाँ से प्ले स्टोर में जाएंगे, जैसे कि प्ले स्टोर मेरा यहाँ है। प्ले स्टोर में जाके यहाँ से NICIC लिखें तो आएगी यहाँ पे, देखिए NICIC मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पे देखिए भाई NICIC मोबाइल में आ गया है। तो यहाँ से मेरा पहले से डाउनलोड है, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से ओपन करके। जैसे ओपन करने के बाद अपना फ़ोन नंबर और पासपोर्ट, जैसे तुम अपना NICIF अपना जो है ID बना लेना पड़ेगा पहले से। मेरा पहले से बना हुआ है, तो आपको मैं नंबर और पासपोर्ट डाल के मैं अपना वो दिखाता हूँ। तो मैं अपना फ़ोन नंबर और पासपोर्ट डाल दिया हूँ, देखिए। तो मैं लॉग इन करता हूँ, तो लॉग इन कर दिया, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। हो गया है, तो यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, जैसे कि आप अपना टॉप अप कर सकते हैं मोबाइल पे। NCL सिम आपके पास कोई भी सिम लगा हुआ है, उस सिम में यहाँ पे सारे सिम का दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। NCL हो गया, NTC हो गया, आपका जो सिम है उसमें कर सकता है। और ये लोड यहाँ पे लिखा हुआ है, रिचार्ज कार्ड से भी कर सकते हैं वहाँ पे ATM कार्ड में जाके। तो आपको यहाँ से निकलता हूँ, जैसे कि आप NCL में रिचार्ज करेंगे, यहाँ पे अपना अमाउंट डालेंगे और अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप जो चार पिन नंबर डाला है, चार पिन आएगा OTP, वो चार पिन वो जो आएगा उसको डालना पड़ेगा, वो तुमको याद रखना पड़ेगा मैंने क्या डाला है। तो वो अपना डालेगा, जैसे डालेगा सबमिट करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो अपना मोबाइल में रिचार्ज हो जाएगा ऐसे। तो आपको ये भी दिखा दिया हूँ, और उसके बाद जो आपको माय अकाउंट ये हो गया, ये सेंड मनी हो गया, तो आप यहाँ पे जाइए सेंड मनी में। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपना जैसे कि अपना NIC ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो NIC क्या बोल रहे हैं, IMB में ट्रांसफ़र करेगा, किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करेगा, तो सबका लिंक दिया हुआ है। तो आप देखिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी, ये देखो फोन ट्रांसफ़र कैसे कर सकते कैसे करता है। तो यहाँ पे क्लिक करेगा, तो अपना यहाँ पे अमाउंट डालेगा, जैसे कितना आ गया, 10,000 हो गया, कितना एक डालेगा, ऐसे डालेगा यहाँ पे, अपने यहाँ पे किस अकाउंट में डालेगा। यहाँ पे आप पहले यहाँ से अपना जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा वो डालेगा। वो डालने के बाद जो अकाउंट में तुमको ट्रांसफ़र, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं करने वाला हूँ, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो वहाँ पे हो गया, अब जिस जिस बैंक का यहाँ पे अकाउंट, उसी बैंक ये अकाउंट नेम उसी बैंक का अपना नाम डालना पड़ेगा। तो नाम डालना पड़ेगा, नाम और अपना अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद वो तुम्हारा जो चार पिन है वो डालना पड़ेगा। OTP पिन डालने के बाद जो है सबमिट करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपका अकाउंट में से पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आप घर में बैठे ही अपना मोबाइल से ही अपने यार दोस्तों जो भी उसका अकाउंट बना हुआ है, तो आप उसको पैसा की ज़रूरत पड़ेगा तो आप घर बैठे ही आप उसको सेफली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि उनका मदद हेल्प कर सकते हैं। तो आपको मैं इस तरीके का मैं बना दिया हूँ, दिखा दिया हूँ, तो आपको अगर किसी यार दोस्त किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो आप इस तरीके से ही ट्रांसफ़र कर देना।